नमस्ते, वेलकम टू द वेलनेस मंत्रा। मेरा नाम है डॉक्टर श्रद्धा सिन्हा, मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ डाइट प्लान फॉर समर्स। ये डाइट प्लान बहुत ही इजी टू फॉलो है और इसमें 1500 कैलोरीज है जो कि आपके वेट लॉस के लिए भी यूजफुल है। ये आप कूल, हाइड्रेटेड और रिफ्रेश भी रखिएगा साथ में। और अगर आपको मेरा ये डाइट प्लान अच्छा लगे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। 5 गोल्डन रूल्स। तो फर्स्ट वन इज़ कि आपको 3 लीटर्स ऑफ वाटर इंटेक होना चाहिए आपका पूरे दिन में। इसके लिए आप, अगर आपको पानी पीना याद नहीं रहता तो अलार्म सेट कीजिए और टाइमली पानी पीजिए। सेकंड इज मैक्सिमम होम कुक्ड मील्स, जितना हो सके आपको घर का बना खाना खाना है। थर्ड इज लेस सॉल्ट एंड नो शुगर रूल फॉलो करना है, यानी कि आपको नेचुरल शुगर यूज़ कर सकते हैं और रिफाइंड सॉल्ट की जगह आप पिंक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट यूज़ करना है। फोर्थ इज आपको अपना मील स्किप नहीं करना है, टाइमली खाना है। और फिफ्थ इज़ कि आपको अपना डिनर 7 o'clock तक फिनिश कर लेना है, मैक्सिमम 8 o'clock, क्योंकि जब हमारा स्लीपिंग टाइम में हमारा बॉडी रिजुविनेट होता है। और इसके साथ ही आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और साथ ही आपको 30 minutes to 45 minutes आपका कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, वॉकिंग, डांसिंग, योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग। तो दिन की शुरुआत करेंगे लेमन पंच के साथ। और इसके प्रिपरेशन की तैयारी आपको एक दिन पहले रात में करनी है। उसके लिए आप एक लेमन लेंगे, उसका स्किन को हटाना, स्लाइसेस में काट करके एक गिलास पानी में उसे डालेंगे और उसे एज इट रहने देंगे ओवरनाइट। और सुबह उसे स्ट्रेन करके उसमें 1 tablespoon हनी ऐड करके उसे पी सकते हैं। और अगर आपको ये लेमन पंच पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक इट, तो आप सॉफ्ट वाटर यानी कि फेनल सीड्स वाटर भी ले सकते हैं। ये आपके सिस्टम को क्लीन कर देगा, बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके आपके वेट लॉस में भी यूजफुल है, डाइजेशन को। ब्रेकफास्ट में आप लेंगे पोहा विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स और इसकी क्वांटिटी होगी 200 grams। या तो सेकंड ऑप्शन है कि आप 2 eggs का ऑमलेट बना करके ले सकते हैं। बाद मिड मॉर्निंग में आप लेंगे सीजनल एंड लोकल फ्रूट्स, आपको जो भी पसंद हो, मैंगो, वाटरमेलन विल बी बेटर ऑप्शन। उसके अलावा और भी फ्रूट्स ऑप्शन है लाइक बनाना, एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल। लंच में आप लेंगे 2 multigrain चपातीज एंड 200 ग्राम्स ऑफ दाल, 200 ग्राम्स ऑफ कर्ड एंड 1 full plate ऑफ सैलड। सैलड में आप लेमन स्क्वीज करके ऐड कर सकते हैं, बट उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करना है। और उसके साथ ही आप लेंगे 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स, आपको जो भी पसंद हो अपनी चॉइस का। इवनिंग में आपके लिए 3 options है, या तो आप ले सकते हैं बटर मिल्क छाछ, सेकेंड ऑप्शन इज वेजिटेबल स्मूदी एंड थर्ड ऑप्शन इज डिनर में आप ले सकते हैं ओट सूप या फिर दलिया 300 grams। और ये क्वांटिटी मैं रॉ इंग्रेडिएंट्स की नहीं बता रही हूँ, कुक्ड मील्स की बता रही हूँ। इसमें आप लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो और साथ ही आप दाल, लेंटिल्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सोने के पहले तक भूख लग जाती है तो आप ले सकते हैं 200 milliliter लो फैट इलायची मिल्क। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।